आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ सरताज अली हैं शाहजहांपुर से, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, हाँ जी सवाल कीजिए। सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम सरताज भाई, बताइए। ऐसा है सर, हमको ये दिक्कत हो रही है मतलब बॉडी में, मतलब अटैक टाइप का नहीं, जैसे एक बार मैंने पेट भर के खाना खा के एक टेबलेट ले ली थी 650 mg की, तो उस दिन ऐसा लग रहा था कोई अटैक ऐसा पड़ा जिसे मान लो दिल मेरा बैठा जा रहा हो सर। उसके बाद तो सही हो गया, उसके बाद अब आज दिन सर से कुछ चलता है, पैरों तक मतलब अटैक ऐसा चलता है और हाथ पैर में जान खत्म हो जाती है ऐसा लगता है, हाथ पैरों में जान नहीं। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र ऐसी होगी लगभग 40 साल की। ठीक है। अच्छा देखिए, खाने में अपने लहसुन अदरक और जीरा काफ़ी खाया करिए, खूब खाया करिए, चाहे तो इसकी चटनी बनाकर और रखें, और खाना खाते वक्त इसे ज़रूर खाया करें तो आप बहुत महफूज रह सकते हैं। और एक सिरका आता है एलोवेरा का सिरका, एलोवेरा का सिरका जिसे हम लोग जानते नहीं हैं कि एलोवेरा का सिरका भी होता है, हम एलोवेरा का जूस जानते हैं, एलोवेरा जानते हैं, लेकिन एलोवेरा का सिरका भी होता है, मुश्किल से मिलेगा। तो रात को 3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के, गर्म पानी में मिला के भी ले सकते हैं, रोज़ाना पी के सोया करें और ये 4-5 महीने पिए ताकि आपको फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट कॉलर हैं बलीराम भवानीपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी। हेलो नमस्ते मैडम जी। नमस्कार जी, बताइए प्रश्न कीजिए। जी मैं भवानीपुर से बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से। मेरी पत्नी है, उसके गांठ गांठ में दर्द होती है, कभी कभी सूजन भी होती है और लगातार 3-4 महीने हो गए हैं। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी? उनकी उम्र लगभग 40-42 के आसपास है। ठीक है, देखिए मणिराम जी, मैं कहता हूँ अक्सर कि ये 35-40 साल या उससे ज़्यादा की उम्र जो है बीमारियों की दावत होती है हमारी बॉडी में, और यहाँ से हमें बीमारियाँ शुरू होती है। और अभी आपने जल्दी फ़ोन कर लिया, नहीं तो 3-4 महीने क्या, 3-4 साल 10 साल तक भी लोग ऐसी दवाएं खाते रहते हैं और फ़ायदा होता है उनसे, रोज़ फ़ायदा होता है, रोज़ खाना पड़ती है। अगर हमेशा फ़ायदे के लिए दवा चाहिए तो फिर यूनानी को आप इस्तेमाल करें। गोंद स्या एक गोंद है जो मुश्किल से मिलता है, वो हासिल करें और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम उनको बगैर चर्बी के दूध से, जूस से या पानी से देना शुरू करें। ये आप 100-200 ग्राम लेंगे और उसको खर्च करेंगे रोज़ाना आधा आधा ग्राम सुबह शाम, तो इसके ख़त्म होने से पहले आपकी पत्नी का ठीक होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं विजय गाजियाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। मैम मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मेरे गले में ना मुझे कुछ अटका सा महसूस होता है, मुझे फील होता है। ठीक है। हाँ, अब खाना खाता हूँ तो शरीर में जलन सी रहती है, हाथ पाँव में, और काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। ठीक है, एज क्या है आपकी? हाँ मेरी एज है 29। ठीक है। देखिए अपने जो बॉडी को प्योरीफाई कर ले, एक तरीका है बॉडी प्योरीफाई का कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एलोवेरा का सिरका लें 3 छोटे चाय के चम्मच और गिलास में डालें, फिर उसमें आधा चुटकी नमक, आधा चुटकी खाने का सोडा डाल दें तो इसमें से झाग उठेंगे बहुत सारे, और इसमें फिर जब झाग उठने लगे तो पानी मिला दें इसमें और इसको पी लिया करें दिन में एक बार। आप 1-2 हफ्ते पिएंगे तो आपको फायदा होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर है सत्यवीर बागपत से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी आदम। सत्यवीर जी बताइए क्या सेवा है? मेरे सिर में दर्द रहता है जी, रोज खाना खाते ही गुर्दी में, टट्टे में, माथे में बहुत दर्द होता है जी, और मुझे कब्ज की शिकायत भी रहती है जी, 2-3 महीने हो गए मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, आपकी एज कितनी है?
57 साल जी। अच्छा आप किसान आदमी हो क्या? हाँ जी किसान है जी। अच्छा आप ना अब बहुत मेहनत का काम मत किया करो, खासतौर पर वजन मत उठाया करो कुछ दिन के लिए, ठीक है? हाँ जी अब तो, हाँ जी अब तो कम सही कर रखा जी मैंने। हाँ वैसे मेरा शुगर की भी बीमारी है जी 10-12 साल से। ओहो अच्छा हुआ आपने आखिर में बता दिया, अपना पूरा रोग बताना चाहिए जब हमसे बात कर रहे हैं, ताकि हम कोई ऐसी दवा बता सकें जो आपके सारे रोगों पर काम कर सके। तो मैं एक ऐसी दवा बता रहा हूँ जो आपके कब्ज़ पर भी काम करेगी, तो सर के दर्द पर भी काम करेगी, और आपको शुगर भी कंट्रोल करेगी। तो वो दवा का नाम आप लिख लें, जैतून का सिरका। अब जैतून तो यहाँ किसान पैदा नहीं कर पा रहा, कोशिश चल रही है, हमारी भी कोशिश है कि जैतून खाड़ी के मुल्कों में होता है, और हमारी भी कोशिश चल रही है कि हमारे हिंदुस्तान में भी जैतून की खेती होने लगे। जैतून एक बेर की तरह फल है जो बहुत मशहूर है और हिंदुस्तान में मिलता है, लेकिन काफ़ी महंगा मिलता है। इसका सिरका मिलता है, तो इसका सिरका आप 3 चम्मच रात को एक गिलास पानी में डाल के पी लिया करें, तो आपको शुगर भी कंट्रोल होगी और आपके दूसरे रोग भी ठीक होना मुमकिन है। चलिए तो आपके सभी रोग ठीक ज़रूर हो जाएंगे, बस आपको ये उपचार अपनाने हैं जो अभी हकीम साहब ने आपको बताए हैं। दर्शकों देखिए, आप लोग भी कोई भी प्रश्न आपका निसंकोच इस कार्यक्रम में कर सकते हैं, कोई मन में आप लोगों को संशय नहीं लाना है, कोई आप लोगों को इतना नहीं सोचना कि हम ये प्रश्न नहीं कर सकते, हमें तो इतना बड़ा रोग हो चुका है। देखिए अगर घरेलू उपचार आपको अपनाने हैं और अपना हर रोग जड़ से खत्म करना है, तो आपको सवाल तो पूछना पड़ेगा, बस आप लोगों को फ़ोन उठाना है, इन नंबर्स पर कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर से, हमारे साथ अखिलेश जुड़े हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी बताइए। बोलिए। मेरे को मैडम गुप्ता खुजली चलती है, उसका कोई घर उपचार बताइए जी। क्या होता, एक बार दोबारा बोलिए। हाँ आपको कहाँ पे खुजली होती है, आपने क्या बताया दोबारा बताइए। गुप्ता जी जी, ठीक है ठीक ठीक है, मैं समझ गया। हाँ देखिए, फिटकरी का एक टुकड़ा खरीद लीजिए, इतना बड़ा सा बाजार मिलता है, बहुत सस्ता, 2-5 रुपए का मिल जाएगा। और जो बाथरूम का लोटा होता है ना, जब बाथरूम आप जाया करें जब भी, तो वो लोटे में डाल दें और बाथरूम करें अच्छे से, और जब उसको वॉश करें तो इस लोटे में जो ये फिटकरी पड़ी हुई है, इससे आप वॉश किया करें, तो आपको फायदा होना मुमकिन है। चलिए नेक्स्ट कॉलर है किरण, दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है किरण आपका। हाँ जी जी बताइए जी। मेरे ना पहले बीपी ज्यादा हाई रहती है, 180 तक बीपी पहुंचा। अब जैसे तैसे थोड़ी बहुत बीपी दवाई लेते हैं रोज, और वो डाबर सिरप पीते हैं वो, तो उससे कुछ अब आराम है बीपी में, लेकिन घबराहट होती है रात में मुझे बहुत ज्यादा। अब नाप है वो धरन जो पेट की होती है वो पता नहीं कैसे अपनी आप हिल जाती है, और उसी से बहुत परेशान है। ठीक जी। जो देखिए, आप रोजाना ऐसे सीधे खड़े हो जाया करें और घुटने भी ऐसे जोड़ लिया करें, और बगैर घुटने मोड़े आप अपने पैर छूने की कोशिश किया करें, ऐसे करके घुटने नहीं मोड़े अपने पैर छूने की कोशिश किया करें रोज़ाना। छू पाती हैं या नहीं छू पाती हैं, लेकिन कोशिश खूब करें। थोड़ा खिंचाव सा होगा टांगों में, घुटने नहीं मोड़ेंगे तो पैरों में खिंचाव होगा, कमर में खिंचाव होगा, लेकिन रोज़ाना 4-5 बार अपने पैर छूने की कोशिश ज़रूर किया करें। और बीपी वगैरह के लिए, अगर देखिए बीपी से निजात अगर चाहते हैं, कि ये चाहते हैं कि ठीक ही हो जाए, तो 5-6 महीने यूनानी इलाज करें, और वो बड़ा आसान भी है। ये आप जैतून का सिरका ले लें, जैतून का सिरका आता है, मुश्किल से मिलता है, ज़रा 2-3 चम्मच सुबह 2-3 चम्मच शाम पानी में डाल के पिया करें, और गर्म पानी पिए दिन में 5 बार, तो इस रोग से आपका फायदा होना भी मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है अर्चना, दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है अर्चना आपका। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार।
जी मैम, मेरी प्रॉब्लम ना मेरे भाई से रिलेटेड है। उसको काफी एंजाइटी हो रही है, और जब से ये COVID-19 का शुरू हुआ है रात को नींद नहीं आ रही है, और मतलब काफी एंजाइटी रहती है, स्वेटिंग होती है बहुत दिनें, हार्ट बीट बढ़ जाती है, और गैस भी बहुत बन रही है। तो इसका कुछ इलाज क्या हो सकता है? ठीक है, ये बहुत आसान इलाज भी है, इसका आप खुद कर सकते हैं। इन तमाम रोगों का जो जुमला आपने मुझे बताया, और ये पेट के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। दरअसल पेट के अखराज जब दिमाग को चढ़ने लगे तो फिर ये सब प्रॉब्लम होता है। धनिया 100 ग्राम ले लें, अच्छा पिसा पिसाया कुछ भी ना लें। धनिया 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम और सौंठ 100 ग्राम, 100 ग्राम आप ये सब ले लें, और छोटी वो बड़ी इलायची 100 ग्राम, और गौन मोरिंगा आता है, गौन मोरिंगा 100 ग्राम, इन सब का पाउडर बनाएं, और सबको रॉ मटेरियल लेकर पाउडर घर में बनाना है तो मैं कहूँगा कि आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। इसको पाउडर बना के एक चम्मच सुबह खाली पेट, एक चम्मच रात को सोते समय पानी से, और गर्म पानी हो तो बहुत अच्छा है। एक चम्मच मतलब 3-4 ग्राम छोटे चाय का चम्मच दें, और किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो, या पेट की प्रॉब्लम हो, या कब्ज़ की प्रॉब्लम हो, या बवासीर की प्रॉब्लम हो, तो वो शख्स ये खुराक ले सकता है। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं कैलाश राजस्थान से हमारे साथ, स्वागत है कैलाश आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी आदाब। बताइए। हाँ जी। जी सवाल कीजिए अपना। मैडम मेरे रात को बहुत पेशाब लगता है। उम्र 60 साल है। ठीक। मुझे देखिए अश्वगंधा 100 ग्राम लें और सौंठ 100 ग्राम लें। अश्वगंधा 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम और गौन मोरिंगा 100 ग्राम, तीन चीज़ें 100-100 ग्राम घर में पाउडर बनाएं। सबको रॉ मटेरियल लें, घर में पाउडर बनाएं, और दो चुटकी सुबह दो चुटकी शाम पानी से, या बगैर चर्बी के दूध से, या जूस के हालात आपके हैं सब हैसियत है तो आप जूस से भी ले सकते हैं। दो टाइम लेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं अनीता होशियारपुर से हमारे साथ, स्वागत है अनीता आपका। हाँ जी नमस्कार हकीम साहब। जी आदाब आदाब। हाँ जी हकीम साहब, एक तो मेरे मदर-इन-लॉ को शुगर है। तो उन्हें ना कमजोरी बहुत महसूस होती है। तो दूसरा मेरा अपने लिए है, मेरी ना राइट आईज में दर्द है। मैंने बड़ा इलाज कराया, लाल होती है आंख से, मेरे पूरे सर में दर्द होती है। मैंने पीजीआई तक इलाज कराया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे सिर में इतनी दर्द होती है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे दोनों कुर्सियां ना यहाँ पे, वहाँ पे बड़ी दर्द है। तो दूसरा मेरा 4.5 साल पहले अबॉर्शन हुआ था, अब मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए भी मैंने बड़ी दवाई खाई है। मुझे कोई ऐसा इलाज नुस्खा बताइए जिससे मैं ठीक हो जाऊँ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अपनी और अपनी सास की उम्र बता दीजिए। हाँ जी शुगर है, उन्हें कमजोरी है बहुत। नहीं आपकी अपनी आपकी उम्र और आपकी सास की उम्र दोनों मेरी की उम्र 40 के करीब है। हाँ जी ठीक है। अच्छा देखिए शुगर एक ऐसी बीमारी है जो अंदर से खोखला करती है, जस्ट लाइक दीमक। तो उनको ख्याल आप रखती तो होंगी ज़रूर, जब आप फ़ोन कर रही हैं उनके लिए तो ये सबूत है इस बात का कि अब आप अपनी सास का ज़रूर ख्याल रखती होंगी। तो उनको 2 चम्मच या 3 चम्मच रोज़ाना जैतून का सिरका पानी में मिला कर पिलाया करें, 2 बार सुबह और शाम। तो ये उनकी शुगर से होने वाली कमज़ोरी नहीं होने देगा, शुगर को भी काफ़ी कंट्रोल रखेगा और उनको बहुत एक्टिव करेगा। आपके लिए एक नुस्खा है बहुत अच्छा, और वो आपको लगातार करना है। देखिए इससे आपके दोनों फायदे होना मुमकिन है, यानी कंसीव करने का भी और आपकी आँखों के लिए भी। देखिए एक दवा आती है जिसे कहते हैं मुंडी बूटी,
मुंडी बूटी बॉल्स बॉल बॉल होती हैं छोटी छोटी, और इतनी सारी आ जाएंगी 15-20 रुपए में इतनी सारी। तो दो मुंडी बूटी लीजिए, और एक आता है नमक कलौंजी, नमक कलौंजी ये भी 100 ग्राम ले लीजिए, इसके दो चुटकी नमक कलौंजी, दो मुंडी बूटी, दो गिलास पानी में हल्की आंच पर उबालिए, और इतना उबालिए कि पानी आधा जल जाए और आधा रह जाए, तो ये पानी आप रोज़ एक बार पी लिया करिए, आपको दोनों फायदे होना मुमकिन है।